से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। इस 32 साल में मुसलमानों ने कभी ये नहीं पूछा लालटेन से कि आप सड़क मंत्री हैं तेजस्वी जी, हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं बन, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दवा डॉक्टर क्यों नहीं है, आप शिक्षा मंत्री थे हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई क्यों नहीं। मुसलमान इन सारे परेशानियों के बावजूद जाकर उसी लालटेन को वोट दे, 32 साल से मुसलमान लालटेन को वोट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों को अब ये सवाल करना चाहिए कि 32 साल से जिस लालटेन को वोट दे रहे हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए आज तक किया क्या है, एक भी मुसलमान को क्या बिहार का डिप्टी सीएम बनाया गया है, ये सवाल किया है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राजद पर निशाना साधते हुए नजर आए। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुसलमानों से बड़ा सवाल कर दिया और कहा है कि आप लोग 32 साल से लालटेन को वोट देते आए हैं, लेकिन आपके लिए आज तक लालटेन ने किया क्या है। आपको नहीं लगता कि ये सवाल आपको लालू प्रसाद यादव और राजद से पूछनी चाहिए? अगर आज आप लालटेन को वोट देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये सवाल उठाना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए कि 32 साल से हमने आपको चुना है लेकिन आपने अभी तक हमारे लिए क्या कहा किया है। क्या कुछ पहले प्रशांत किशोर बोल रहे मुसलमानों को लेकर, हम आपको सबसे पहले उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। तो जब तक आप समाज में ये सुधार नहीं लाएंगे कि मेरे भाई तुम पाकिस्तान और पुलवामा के लिए वोट दे रहे हो जबकि तुम्हारे बच्चे जाकर गुजरात में तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं, तो तुम्हारा भला कैसे होगा। जितने मुसलमान समाज के लोग हैं, मैं 18 महीना से पैदल चल रहा हूँ, 5000 से ज्यादा गाँव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल अगर कोई बिहार में है तो मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। इस 32 साल में मुसलमानों ने कभी ये नहीं पूछा लालटेन से कि आप सड़क मंत्री हैं तेजस्वी जी, हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं बना, आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं लेकिन हमारे गाँव की नालियों गलियों की दुर्दशा क्यों है, आप स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दवा डॉक्टर क्यों नहीं है, आप शिक्षा मंत्री थे हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई क्यों नहीं है। मुसलमान इन सारे परेशानियों के बावजूद जाकर उसी लालटेन को वोट दे रहा। दरअसल प्रशांत किशोर ने जब आप समाज में सुधार नहीं लाएंगे, आपके बच्चे गुजरात तमिलनाडु में जाकर मजदूरी करेंगे, फिर यहाँ के लोगों को भला कैसे होगा, बिहार में 18 महीने से पैदल चल रहा हूँ, 5000 से ज्यादा गाँव में जाने के बाद रोज मन से कहता हूँ कि दलितों के पास सबसे ज्यादा गरीबी बदहाल और फटेहाल है, मगर मेरी कोई सुनता नहीं है और बिहार के मुसलमान भी उसी हालात में है, लेकिन 32 सालों से मुसलमान ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा। 30-32 साल से मुसलमानों ने राजद को कभी नहीं पूछा कि आपके नेता सड़क और ग्रामीण कार्य मंत्री रहे, हमारे गांव में सड़क नाली गली क्यों नहीं बना, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे फिर हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दवाई क्यों नहीं है, आप शिक्षा मंत्री रहे फिर हमारे बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है। मुसलमान इन सारी परेशानियों के बावजूद लालटेन को जाकर वोट देते हैं। तो आप देख सकते हैं राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर किस तरीके से गरमाए हुए हैं, गरमाए नहीं है, यहां तक कि मुसलमानों को साफ साफ कह रहे हैं कि 30-32 साल से वोट तो दे रहे हैं लेकिन सवाल आज तक कभी किया है आपने, आपके बच्चे की शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के आपने कभी पूछा है उनसे कुछ भी, बस आप आते हैं और वोट देकर चले जाते हैं।